नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बैकुंठपुर के गोहिया ग्राम पंचायत के बगढ़ा मतहा ग्राम के तालाब के पास एक पीपल का पेड़ जो पिछले 2 वर्ष पहले आंधियों की वजह से उखड़ गया था और ग्राम वालों के द्वारा उस पेड़ की टहनियों को काट करके गिरा दिया गया था, लेकिन सुबह कुछ ग्रामीणों के द्वारा देखा गया कि गिरा हुआ पेड़ आश्चर्यजनक ढंग से एक बार फिर से खड़ा हो गया है। आपको बता दें, यह पेड़ उस जगह पर स्थित है जहां तालाब के पास देवी का एक अद्भुत मंदिर है और ऐसा लोगों का मानना है कि पेड़ का खड़ा होना कहीं ना कहीं उन्हीं देवी का आशीर्वाद है, उन्हीं देवी का चमत्कार है। अब ऐसे में पेड़ खड़े होने के बाद ग्राम वालों के द्वारा लगातार उसे देखा जा रहा है, लगातार देवी के चमत्कार को बता करके इसे भारी संख्या में देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। ये प्राचीन माता का मंदिर है जी। जैसा कि लोगों ने बताया और हम भी जानते हैं जी। हाँ। तो आज यहाँ पर बताया गया कि एक चमत्कार हुआ है। हाँ। ये पुराना पीपल का पेड़ था। हाँ। जो गिर गया था 3 साल पहले आंधी। हाँ। में। हाँ। है ना। हाँ। ये भी बताया जाता है कि एक सुनामी जैसे आंधी यहीं से उत्पन्न हुई थी। नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर पश्चिम से जी, जिसमें से 2 बड़े पीपल के पेड़ टूटे थे जी, जी। और 13 पेड़ आम टूटे थे इस तालाब के अंदर जी जी। और यहीं से गांव तरफ बबंडन में जाके उत्तर तरफ हो गया तो नाला के किनारे के बहुत सारे आम पीपल और महुआ के पेड़ टूटे थे जी। ये 3 वर्षों से पेड़ पड़ा रहा, क्योंकि रोड में गिर गया था तो आगे का भाग इसका कटवा लिया गया। और यहाँ मंदिर बन रहा है तो यहाँ भी प्लान कराने की योजना थी हम लोगों की, लेकिन आज रात में पता नहीं क्या चमत्कार हुआ कि अपने आप पीपल का पेड़ खड़ा हो गया। जब सुबह लोगों ने देखा तो आश्चर्य चमत्कार। अब यहाँ ताता लगा है भीड़ का, लोग अपनी अपनी मनौती मान रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं जी। आप इसी गांव से हैं या किसी अन्य गांव? नहीं, हम इसी गांव से हैं और माता जी का जो मंदिर बन रहा है उस सहयोगी टीम के एक सदस्य भी है जी। जो सार्वजनिक मंदिर बन रहा है और इसमें हम सब लोग माता जी की सेवा में है जी। जी, तो सबसे पहले यहाँ आपको किसने बताया कि ऐसा चमत्कार? यहाँ अहरी है जी, वो आज रात में यहाँ अपने अहरी में थे तो एकाएक रात में छपाक की आवाज आई, बहुत तेज आवाज हुई तो उनको डर पैदा हुआ और उन्होंने खिड़की खोले ना गेट खोले। सुबह जब वो उठे अब ये खड़ा पेड़ को देखा तो उनने हमें फोन लगाया, हम घर में थे, कि भाई आके देखिए पेड़ खड़ा हो गया। तो हम आश्चर्यचकित हो गए जब हम घर से आए सुबह 6:30 बजे तो ये पेड़ खड़ा था। उसको देखे हम तब तक भीड़ आने लगी, लोग जो सुबह टहलने निकलते हैं, गांव के कृषक निकलते हैं अपने अपने काम में, बस यहीं से ये देख देख के और यहां लोग आने लगे। अब तो यहां हजारों की भीड़ है जी, सुबह से लाइन लगी हुई है, माताएं बहनें जो जैसे ही सुनता है दूर दूर के लोग आ रहे हैं सुन के। इसको आप माता का चमत्कार मानते हैं? हाँ, शुद्ध चमत्कार है, इसमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं, शुद्ध माँ का चमत्कार है ये। चलिए ठीक। हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।